नमस्ते, पॉलिटिकल इनकरेक्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जिसे मैंने बचपन से देखा और मैं इसका एक बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ बचपन से, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी टाइम में। जी हाँ, योगेंद्र यादव की बात कर रहा हूँ। इसे देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब स्कूल में हम पढ़ते थे, जब पहली बार मैंने इसे टीवी पे देखा, उन दिनों दूरदर्शन होता था, एक ही चैनल था, और ये वहां पर एक सेफोलॉजिस्ट के रूप में आया था और किसी इलेक्शंस का एनालिसिस करके बता रहा था। अब मुझे याद नहीं, क्योंकि उस समय राजनीति में इतना हमारा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इसकी बात करने की शैली बहुत प्रभावशाली थी। और जब ये बताता था कि इलेक्शंस में ये होने वाला है, तो हम वेट करते थे होगा या नहीं होगा। तो जब होता था तो ये उसे रीइंफोर्स कर देता था, और नहीं होता था तो इसके पास उसका कोई स्पष्टीकरण होता था। दोनों चीजें सुननी अच्छी लगती थी हमें, और जो इसकी भाषा की पकड़ थी अंग्रेजी में और हिंदी में, वो भी इसका एक प्लस पॉइंट था, जिसके कारण मैं इसे इसकी प्रशंसा करता रहा हूं। और लेकिन अब पिछले जो 15 वर्ष बोल लीजिए, हाँ लगभग 15 वर्ष में, जब अपनी बुद्धि थोड़ी सी जगी और मैंने इस जो नैरेटिव बैटल फील्ड है उसे समझना आरंभ किया, तब इस व्यक्ति की वास्तविकता धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हुई। और आज मैं आपको इसी की यात्रा पे लेके जाने वाला हूँ, और केवल पिछले 10 वर्षों की, क्योंकि उससे पहले का रिकॉर्ड इजीली अवेलेबल नहीं है। लेकिन आदर्श स्थिति तो ये होती कि हम उसे भी उसका भी आकलन कर पाते। और पिछले 10 वर्षों में, यानी 2013-14 से लेके आज 2024, इन 10 वर्षों में इस व्यक्ति को क्या कहूँ, इसका सत्यानाश फेर दिया है, इसका जो करियर है वो चौपट हो गया। पता नहीं, देखते हैं करियर चौपट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझ जैसे, अगर मैं हूं तो मुझ जैसे और भी लाखों होंगे देश में जो इसकी वास्तविकता से अब परिचित हुए होंगे। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कमेंट्री है इन बातों पर कि कैसे नैरेटिव को कंट्रोल करके रखा गया और कैसे कैसे लोगों को तब से प्लांट करके रखा गया ताकि इस देश का सत्यानाश किया जा सके। उसका एक एक ज्वलंत उदाहरण है योगेंद्र यादव, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई इसमें लज्जा नहीं कि मैं इसे फॉलो करता था। हम समय के साथ सीखते हैं और मेरी भी यात्रा कुछ वैसी ही है। बात में शुरू करता हूं, जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, तब तक मुझे लगता था कि यार कोई बहुत ज्यादा गुंडागर्दी बदमाशी नहीं होती देश में, हाँ करप्शन है, उसे दूर करना चाहिए। और मैं भी अपने आप को एक छोटा मोटा एक्टिविस्ट समझता था। तो जिन दिनों अन्ना मूवमेंट शुरू हुई तो मैं उनका समर्थक था। फिर जब मैं उसमें घुसा, उस मूवमेंट में, तब मैंने देखा जब वो एक परत के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी जब खुलनी शुरू हुई, तब मैंने देखा कि क्या खेल चल रहा है हमारे देश में और कैसे हमारे समाज को, हमारे देश को बिल्कुल विनाश की कगार पे लाने के लिए कितनी शक्तियां किस किस स्तर पे काम कर रही हैं। और जिस समय अन्ना से मोह भंग होना शुरू हुआ, फिर मैंने एक खिलाड़ी देखे, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, तो तब मैंने इन्हें एनालाइज करना आरंभ किया। और आपको ध्यान होगा 2014 आने तक आम आदमी पार्टी बन चुकी थी और इन्होंने इलेक्शन लड़ना था। उस समय अगर आप याद करें, योगेंद्र यादव का उस समय का जो सुर था, स्वर भी बोलते हैं, सुर भी बोलते हैं, वो ये था कि हमें कांग्रेस हटानी है। अब पूरे का पूरा जो मूवमेंट शुरू हुआ था उसका मुख्य बिंदु क्या था कि कांग्रेस ने करप्शन की इति कर रखी है। याद कीजिए, वो 2G, 4G, कॉमनवेल्थ, जितने घोटाले हो रहे थे, लाखों करोड़ों में हो रहे थे वो, तो पूरा देश उसका विकल्प ढूंढ रहा था। आज हम जिसे डीप स्टेट बोलते हैं, उन्हें ये सब पता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए उन्होंने विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी का गठन किया। और उस समय योगेंद्र यादव जब बात करता था तो इसका कहना था कि अगर मोदी आ गया तो कांग्रेस हटेगी, कांग्रेस की जगह मोदी आ जाएगा, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए हम एक नया ऑल्टरनेटिव लेके आए हैं, तो आप हमें चुनिए। जरा सुनते हैं इसकी बात को, फिर आगे बढ़ते हैं।
we've always maintained that this election becoming Rahul versus Modi would be a tragedy. And of course, we want to save the country from this. I would not say it has become Arvind versus Modi, partly because we don't really want to make big claims. We've started low. This is where we want to be placed. We would try very hard. But I don't want to, you know, make big claims or boast or such like. And for us, it is Aam Aadmi Party versus the political establishment of this country. Change is inevitable in this election because people are disgusted with the way the government is being running. The question is it substitute versus alternative? BJP and Narendra Modi stand for substitute from within the political establishment. Aam Aadmi Party, however small it might be, stands for an alternative to this establishment. So for us, it's a substitute versus alternative battle. Arvind Kejriwal symbolizes the alternative. Will Arvind Kejriwal fight Lok Sabha elections? Because there's some, you know, uncertainty around it now, whether he will fight election or not, or Lok Sabha. There is uncertainty, partly because we don't... तो मोटा मोटा वो ये बता रहा है कि हम अल्टरनेटिव पेश कर रहे हैं, हाउएवर स्मॉल वी में भी. ये जो इसकी विनम्रता वाली शैली है, अब धूर्तता समझ में आती, लेकिन तब ये विनम्रता दिखाई देती थी. आम आदमी पार्टी बनने से पहले अरविंद केजरीवाल भी विनम्र दिखाई देता था. तो और विनम्रता अपने आप में एक ऐसी क्वालिटी होती है, एक ऐसा गुण होता है जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं, और यही इन धूर्तों ने उसका लाभ उठाया. और आज मैं सोचता हूं कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब अंग्रेजों को पता था कि हमारे विरुद्ध लोग खड़े होंगे तो अल्टरनेटिव मांगेंगे, तो वो अल्टरनेटिव भी हमारा ही होना चाहिए. इसलिए अल्फर्ड ऑक्टावियो ह्यूम ने, जो कि स्वयं एक अंग्रेज था, उसने कांग्रेस बनाई थी. अब भी इन्हें पता था कि जैसे भ्रष्टाचार के घोटाले सामने आ रहे हैं, जनता एक विकल्प खोजेगी, और वो विकल्प इन्होंने ऑलरेडी तैयार कर लिया था आम आदमी पार्टी के रूप में. तो स्थितियां बदलती भी हैं, लेकिन स्थितियां लगभग वैसी की वैसी दिखाई भी देती हैं. और उस समय गांधी जैसे मक्कार आए थे, आज केजरीवाल और योगेंद्र यादव जैसे मक्कार पहुंचे हैं. तो मुझे लगता है अब हमें जल्दी सीख जाना चाहिए, नहीं तो ये साइकिल फिर से चलता रहेगा. Anyway, don't know whether Delhi Vidhan Sabha elections will be held with Lok Sabha elections. So there is uncertainty about it. But what there is no Kejriwal's leadership. He comes to today. Would you ask him? Would you want him to fight elections? इसे छोड़ते हैं, अगले विषय पे चलते हैं. अब मोदी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आज मेरी इस बात से बहुत लोग सहमत नहीं भी होंगे, क्योंकि ऐसा एक नैरेटिव बना है कि मोदी भी उसी सिस्टम का पार्ट है, एस्टेब्लिशमेंट का, जो योगेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल 2014 में बताना चाहते थे. लेकिन डिफरेंस है, और जैसे वो लोग नए नए मुखौटे खड़े करके नीचे से अपना सिस्टम लेके जाते हैं, वो चीजें हमें भी सीखनी पड़ेगी. मैं आज इस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूं कि मोदी किसे डिनोट करता है, लेकिन मोदी को क्या कहते हैं उसे, उसका क्रेडिट खत्म करने के लिए, क्रेडिबिलिटी समाप्त करने के लिए इन्होंने हर भरसक प्रयास किया था. और उसी में से एक ये था कि अगर मोदी आ गया तो ये देश तबाह हो जाएगा. तब इसने एक स्टेटमेंट दी थी कि खून की नदियां बह रही होंगी देश में, इसलिए इसे वोट मत दीजिए. आज 10 साल हो गए हैं, खून की नदियां तो बहती दिखाई नहीं दी, बल्कि जो आतंकवाद उस समय 2004 से 14 याद कीजिए उस समय होता था, वो अब नगण्य हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर के रूप में. हालांकि आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बहरेज की घटना होके हटी है, और एक राम गोपाल मिश्र नाम का लड़का बर्बर क्रूरता सहन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ है. लेकिन अभी हमें समझना ही है कि ये एंटी मोदी जो थे, किस तरह से वो वेव को जनरेट करने का प्रयास कर रहे थे. नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब होगा कि इस देश में फिरका परस्ती दोबारा से शुरू होगी. अब आपको याद ये रखना है कि उस समय जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो कांग्रेस के अगेंस्ट थी. लोग कांग्रेस का विकल्प ढूंढ रहे थे कि कांग्रेस को हटाओ, दूसरे को लेके आओ. और ऐसे समय में मोदी ने चमकना शुरू किया सोशल मीडिया के माध्यम से. उनकी अपनी कैंपेन थी, और मुझ जैसे लाखों लोगों ने देश भर में मोदी की फेवर में काम किया था.
उसे ये डिस्क्रेडिट करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसमें हमारे लिए सबसे बारीक बात क्या है कि सारा आंदोलन लड़ा गया था एंटी कांग्रेस, और कैसे उसे बड़े सटल ढंग से एंटी मोदी एंटी बीजेपी बना दिया गया, ये अपने आप में एक रिसर्च का विषय होना चाहिए। और इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2014 से पहले के आप अरविंद केजरीवाल के भाषण सुनिए, तब तक बीजेपी ने तो करप्शन नहीं किया था, कांग्रेस का करप्शन था सारा। जैसे ही लाइमलाइट में आया था उसके शब्द होते थे बीजेपी कांग्रेस तो ये कर रही है, बीजेपी पहले बोलता था कांग्रेस बाद में बोलता था। कई लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये अप्लाइड साइकोलॉजी की प्रोपेगेंडा टेक्निक्स होती हैं कि इसे प्राइमेसी इफेक्ट बोलते हैं, उसमें कि आप जिससे स्थापित करना चाहते हैं उसका नाम आप पहले लेंगे। तो बीजेपी को कांग्रेस के साथ क्लब करके ये बताया जा रहा था कि दोनों ही करप्ट हैं। फिर उसका अगला स्टेप था कि मोदी फिरका परस्त है, मोदी कम्युनल है, मोदी सांप्रदायिक है, कट्टर हिंदूवादी है, ये आ गया तो ये मुसलमानों का सत्यानाश कर देगा, देश में खून की नदियां बहेंगी। ये तो खैर बाद में मोदी जी ने अपना तृप्तिकरण वाला जो मुखौटा है वो पेश किया, लेकिन एनीवे अभी इसके पॉइंट पे चलते हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब होगा इस देश में एक अलग किस्म की राजनीति शुरू होगी, और ये खतरा सिर्फ एक कौम के लिए नहीं है। अगर किसी ने कभी कोशिश की कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ठेकेदारी चलेगी तो इस मुल्क में आग लग जाएगी, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। और मीडिया कैसे सटली इनकी सहायता करता है, ये छोटी छोटी चीजें मैं साथ में इसलिए डाल रहा हूँ कि वो इसे एक ब्रह्म वाक्य की तरह पेश करते हैं। Saying that if Narendra Modi manages to become the Prime Minister of the country, the safety and security of the entire population will be in grave danger. जी, तो ये सारे का सारा वही स्टेट काम करता आ रहा था जो चाहता था कि आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बनके उभर आए। अब बात करते हैं इसकी सेफोलॉजी की, क्योंकि इसका ब्रेड एंड बटर तो वही रहा ना। अब ये हर तरह का जीवी बन गया है कि आंदोलन जीवी तो है ही कि किसान भी है, आज ये पहलवान भी है, तो सब तरह के मुखौटे ओढ़ लेता है। लेकिन एज अ सेफोलॉजिस्ट 2014 में ये क्या कह रहा था कि कोई मोदी वेव नहीं है। अब ये देख के बहुत आश्चर्य होना चाहिए कि एक ऐसे देश में जहां पर इतने सारे इलेक्शन हुए और ये आदमी निरंतर फ्लॉप होता रहा, निरंतर झूठा सिद्ध हुआ, फिर भी इसे एक्सपर्ट के रूप में बुलाया जाता है। सुनिए। As a ex-cephologist, I can as a ex-cephologist tell you the ground is much tougher for Mr. Modi than he imagines it to be. Banaras is not just the there is Metro Banaras. Banaras is much wider and has different landscape. But the point Arvind is making is that Aam Aadmi Party stands against the juggernaut that Mr. Modi represents. In the case of Mrs. Sheela Dixit, the results were surprising. It could well be the case with Mr. Modi. And you can see that while Arvind is taking the risk, Mr. Modi is not. Here is a person. There is someone who says there is a wave in his favor in the country. But he's hedged his bets. And he's not able to even say, all right, I'll contest in this one constituency. And what kind of wave is this? ये जो इसकी विनम्रता से बात करना, उसके पीछे इसकी धूर्तता छिप जाती है, और वो छिपी रही हमारे देश से इतने वर्षों तक। लेकिन ये हरियाणा के इलेक्शंस जो हो के हटे हैं, उन्होंने पूरी तरह से इसका बुरका उतार दिया। अब भविष्य में तो देखेंगे, लेकिन एनीवे अब उसके बाद हुआ क्या, मोदी जी सत्ता में आ गए तो अब लोगों ने पूछना शुरू किया। हालांकि इससे कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछा जाता कि तू इतना बड़ा गधा कैसे साबित हुआ, और उसके कारण आगे आएंगे। तो ये बैठा है प्रणय रॉय के चैनल पे। प्रणय, आप जानते हैं प्रणय रॉय का पूरा नाम क्या है? प्रणय जेम्स रॉय। वो एक्चुअली में क्रिश्चियन है, लेकिन ये एक और लेयर है जिसके पीछे झूठ छिपा रहता है कि आपको पता ही नहीं है कि क्रिश्चियन है, और वो हिंदू बन के हिंदू नाम रख के बातें करता है, किस क्रिश्चियन वाला एंगल छिप जाता है। वो इसे बुलाता है और तब ये बात करते हैं वेव के बारे में। जब मोदी जीत गया और ये लोग हार गए, तो अब सुनिए क्या कहता है कि वेव तो जब निकल जाती है उसके बाद में उसे पहचाना जाता है।
So since you have two experts of landslide sitting in the studio, the one thing that we, you would recall is every wave is recognized retrospectively. Oh yeah, everybody knew. I told you. ये कैसे मीडिया इसे स्टार बनाता है और इसके झूठ को छिपाता है. ये हवा आंधी सुनामी वैसे सब सुन चुके होंगे पर फिर भी ये इंटरेस्टिंग है. बैन और अब यहाँ हमारे लिए विशेषता क्या है कि 2014 में कांग्रेस ये अपने आप को पोजीशन कैसे कर रहे थे कि हम कांग्रेस के अगेंस्ट हैं. एक्चुअली ये बीजेपी के अगेंस्ट थे. असल में ये मोदी और बीजेपी दोनों के अगेंस्ट थे और बड़े सटली इन सब चीजों को छिपाया गया. लेकिन अब क्योंकि कोई चारा नहीं बचा, सामने आना ही था. वो एक फिल्म थी शाहरुख खान, जूही चावला और आदित्य पंचोली नाम. हाँ, यस बॉस. उसमें वो जो आदित्य पंचोली वो विलन है, तो वो लड़की को जूही चावला को सेट करना चाहता है. तो अल्टीमेटली जूही चावला उसे बोलती है कि मुझे पता लग गया कि तू क्या है. तो तब पता लग गया तो अच्छी बात है, ये शराफत का नाटक करते करते मैं अभी तंग आ चुका हूँ. तो फिर वो उस पर झपट पड़ता. तो वही स्थिति इसकी है कि अब डेस्परेट सिचुएशन थी, तो अब ये सीधा जो एंटी कांग्रेस होता था वो प्रो कांग्रेस हो के सामने आता है. लेकिन फिर भी अभी मुखौटा उड़ा हुआ है, वो आगे देखेंगे. भाइयों, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था. लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा. मैंने कहा जी इस चुनाव में तीन संभावनाएं हैं. पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा. ये सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है. मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में. ये सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है. मैंने कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की. अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी? जी. तो अब इसका करियर चौपट हो जाना चाहिए पूरी तरह से, मेरा ये मानना है. लेकिन जो इकोसिस्टम है अभी भी इसे जीवित रखने का प्रयास करेगा. और अब याद कीजिए, जब हरियाणा का इलेक्शन आना शुरू हुआ तो सुबह सुबह जो रुझान थे वो कांग्रेस की फेवर में थे उस समय. अब प्रणय रॉय को अगर आप जेम्स के नाम से याद रखेंगे और योगेंद्र यादव को सलीम के नाम से याद रखेंगे तो आपको ठीक से परिपेक्ष समझ में आ जाएगा. क्योंकि हम यहाँ गलती कर जाते हैं, हम उन्हें योगेंद्र और प्रणय मान लेते हैं जबकि वो सलीम और जेम्स होते हैं. और वो किस तरह नैरेटिव सेट करते हैं उस पे चलते हैं. ओवरऑल योगेंद्र, यू आर फ्रॉम हरियाणा. आई हैव एक्चुअली वॉच्ड यू कैंपेन देयर एंड यू सीम टू रियली एंजॉय इट एंड द क्राउड्स रिएक्टेड. शक्ल देखिए कितनी हंसी बाहर फूट फूट के आ रही है. यू ट्रैवल अ लॉट एंड यू हैव अ फील फॉर हरियाणा. व्हाट्स डिफरेंट दिस टाइम? As someone mentioned just now, Dr. Roy, this is double income, 10 years of BJP rule. And we are witnessing a major change in time, which is a combination of two factors. One is a long-term realignment that Dorab also hinted, chart shifting. So one is a large social realignment taking place in Canada. The second is a incumbency, anti-incumbency driven shift. Both the things have come to coincide. Therefore, my own sense has been right from day one that there isn't much of a suspense in the outcome of this election, that it's a straightforward competition. The only thing about which one had a sense of uncertainty was the margin of Congress's victory. And I said in that speech that you say you watched, I said the only question is whether it's going to be hawa or a andhi or a tsunami. जी. तो दो चीजें ध्यान दीजिए. मक्कार 2014 से निरंतर फेल होता आ रहा,
फिर भी इसे प्राइम टाइम पे स्लॉट मिलते हैं, इसे प्रेज की जाती है और इससे वो टफ क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते जो पूछे जाने चाहिए थे। दूसरा कि किस तरह से इसके फेलियर्स को क्या बोलते हैं उसे ग्लॉस ओवर कर दिया जाता है। अच्छा, अब ये तो हुआ इसकी के कैसे गिरगिट की तरह ये रंग बदल चुका है आज तक, लेकिन जो उससे भी खतरनाक चीज है कि किस तरह का जातिवादी जहरीला आदमी है ये, जो दिखाता ये है कि कभी ये जातिवाद में विश्वास नहीं करता। Where do I reside my home? हाँ, यहाँ पर ये specifically insight कर रहा है कि सड़कों पे लड़ाई होनी चाहिए। Hopes in. My hopes are one in the opposition. The opposition. अब इसकी होप ऑपोजिशन पे है, उस ऑपोजिशन पे जिसके खिलाफ ये लड़के आए थे अन्ना आंदोलन के समय, उसमें अब इसकी होप, इसे होप दिखाई देनी शुरू हो जाती है। Opposition has found its voice. As was evident in the last parliamentary session. Second, in resistance movements, just watch the streets carefully. If democracy, if you know, republics are saved never inside parliaments. Republics are always saved on the street. यहाँ आप समझ लीजिए अभी क्या चीज बता रहा है और क्या चीज छिपा रहा है। मैंने जैसे आपसे पहले कहा, अन्ना आंदोलन 2011 में शुरू हुआ था, 2014 तक आते आते इन्होंने दिल्ली पे तो कब्जा कर ही लिया, सिस्टम को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया था। और उस समय जो मैंने मीडिया के अंदर देखा कि कैसे किस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाती है, तो मुझे पता समझ में आ गया कि पूरा सिस्टम किस दिशा में काम कर रहा, कैसे काम करता है। उसी का परिणाम है कि ये और अरविंद केजरीवाल लाइमलाइट में आए हैं। इन्हें पता है कि कैसे ट्रेंड चलने वाले हैं। और ये जो कह रहा है ना कि सड़कों पे ध्यान से देखते रहिए, तो आप समझ जाइए कि ये किस ओर इशारा कर रहा है। जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में करने की इनकी पूरी पूरी तैयारी है, और अगले कुछ वर्षों में इसकी ये भविष्यवाणी आपको सच होती हुई दिखाई दे जाएगी। इसलिए हमें सबको अभी से सचेत हो जाना चाहिए। सो वॉच द स्ट्रीट्स केयरफुली नेक्स्ट फ्यू इयर्स। I expect resistance, protest movements to gather courage, because in many ways politics is like stock market. It's all driven by sentiments. Are you going up? Are you coming down? The message today to anyone who wants to stand up to this government is they are going down. Inko to dekh lenge. They're going down. Inko to dekh lenge. इसे बोलते हैं इनसाइट करना क्राउड्स को कि सड़कों पे पहुंचो, दैट इज वन पार्ट। लेकिन दूसरा यह है कि इकोसिस्टम उस तरफ की तैयारी कर चुका है, आप इसमें 1% भी कोई डाउट ना रखें। और उस लगभग देश के सत्यानाश को जो ये करने की तैयारी कर चुके हैं, उसे अगर हम बचाना चाहते हैं तो हमें अभी से बहुत अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है, एक एक वोट की और आपकी अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा की कि मुझे अपने घर को, अपने परिवार को बचाना है। जब आप बाहर निकलते हैं तो सचेत होकर निकलिए, क्योंकि ये राक्षस सब जगह छिपके बैठे हैं, जो मलेच्छ हैं, कभी भी कहीं भी हमला करने को तैयार है। और अल्टीमेटली ये आदमी जो ये और इनका सारा गैंग जो सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे, सो कॉल्ड खड़े हुए थे, आज वो उसी सोनिया गांधी के बेटे के चरण चुंबन तक पहुंच चुके हैं। और सच्चाई ये है, जैसे हरियाणा में जाट समाज के खिलाफ सब लोगों को भड़काती है बीजेपी, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों के खिलाफ भड़काने का काम बीजेपी करती है। ये बात गांव-गांव तक पहुंचाना आप। मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं हूं, यहां के साथी बताएंगे, हमने कई बार कांग्रेस का विरोध भी किया है। ये है इसका यूएसपी। लेकिन आज मैं कांग्रेस का वोट मांगने के लिए क्यों आया हूं आपके बीच, इसलिए कि आज इस देश में और हरियाणा प्रदेश में झूठ की सरकार है, लूट की सरकार है और फूट की सरकार है। राहुल जी,
ये जो तीनों समस्याएं हैं उसका राहुल के फेस एक्सप्रेशन देखिए, और मुझे लगता है कभी कभी तो केवल मन ही मन हंसता होगा अगर उसका आईक्यू इतना है कि ये हमारे प्यादे हैं और हमारे लिए काम करते हैं। मतलब राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई क्वालिफिकेशन, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है सिवाय इसके कि वो उस परिवार में पैदा हो गया था, और ये सो कॉल्ड समाजवादी, समाज सेवक, देश का भला करने वाला योगेंद्र यादव उसके चरणों को चूमने पहुंच चुका है। बहुत बड़ा शिकार है ये दक्षिण हरियाणा। आपके बीच इसलिए हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे, प्रॉपर भर्ती शुरू करेंगे। मैं यहां पे इसलिए हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम किसानों को एमएसपी की गारंटी, कानूनी गारंटी देंगे, लिख के गारंटी देंगे, इसलिए यहां हूं जी। तो आज मुझे लगता है कि हरियाणा इलेक्शंस आने के बाद इस जैसे ढोंगियों का, धूर्तों का, पाखंडियों का करियर चौपट हो जाना चाहिए। नहीं भी होगा तो संसार इनकी असलियत को समझ जाएगा। और आशा है कि समय के साथ साथ इस और भी ऐसे जितने भेड़िए भेड़ की खाल पहन के छिपे हुए हैं वो सब के सब उजागर हुए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते।